हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लोग देखेंगे, फाइव फंक्शन का। ठीक है, आइलर्स फाइव फंक्शन का एक रिजल्ट है कि अगर एम और एन रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एम और एन का जीसीडी अगर वन है, ठीक है, तो फाई एम इंटू एन क्या होगा? फाई एम इंटू फाई एन के बराबर होगा, यानी फाई हमारा मल्टीप्लीकेटिव होगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए, जो भी अर्थमेटिक फंक्शन है, हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक जो फंक्शन है वो क्या होता है, वो आपका मल्टीप्लीकेटिव होता है। ठीक है, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो फाई फंक्शन भी एक जो है अर्थमेटिक फंक्शन है, तो ये भी मल्टीप्लीकेटिव होगा। बट इसका प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखिए बहुत सिंपल होगा, ठीक है, खूब मज़ा आएगा आपको करने में प्रूफ को। हम लोग एक इसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एम और एन आपका रिलेटिव प्राइम दिया हुआ है, तो हम लोग ये ले लेते हैं कि हो सकता है कि एम भी हमारा वन हो और एन भी हमारा वन हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्या दोनों वन वन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसलिए कि आप देखेंगे कि वन और वन का जीसीडी निकालेंगे तो वन ही आएगा। तो ये एक इंटीजर है वन, ठीक है, जो आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम भी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू इट्सेल्फ, ठीक है, कितना होगा? तो याद रखिएगा, जीरो नहीं होता, आंसर क्या होता है? आंसर वन होता है। ठीक है, इसलिए कि आप ये मत सोचना कि टू टू और फोर फोर इनका जीसीडी तो कभी भी वन नहीं आएगा, ठीक है, तो जीरो होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ये देख लेना कि वन वन का आप जीसीडी लोगे तो वन आएगा, यानी मेरे पास में एक इंटीजर वन है जो क्या है, को प्राइम है टू इट्सेल्फ। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो हम लोग पहले एम इक्वल टू वन और एन इक्वल टू वन का केस लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा फाई एम इंटू एन है वो हो जाएगा क्या, फाई वन इंटू वन यानी वन। ठीक है, फाई वन क्या होता है, वन होता है। ठीक है, एल्सो हम लोग ये देखेंगे कि फाई एम इंटू फाई एन ये अगर निकालेंगे तो ये फिर से मेरा फाई वन इंटू फाई वन आएगा। ठीक है, तो ये अगेन आपको वन ही आने वाला है। तो यहाँ से हमको ये मिल जाता है कि फाई एम इंटू एन क्या है, फाई एम इंटू फाई एन के इक्वल है। ये कब हुआ? जब हम लोगों ने एक को एम लिया, एक को, दोनों को वन लिया। ठीक है, अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है, इफ एम इक्वल टू वन, ठीक है, अगर सिर्फ एम इक्वल टू वन हो और एन मेरा कोई भी वैल्यू एन ही हो। ठीक है, एन मेरा कोई एन ही हो, देन क्या होगा? तो तब भी आप देखेंगे तो फाई एम एन जो है उसको आप क्या लिख पाएंगे, एम वन है तो फाई एन लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, फाई एन को हम लोग वापस ऐसे लिख सकते हैं, फाई एन इंटू वन। ठीक है, और फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई एन इंटू फाई वन, चूँकि फाई वन आपका वन होता है। ठीक है, और आपने एम को वन लिया था, तो इसको हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं, फाई एम इंटू फाई एन। ठीक है, चूँकि फाई वन आपका फाई एम हो जाएगा, तो इस केस में भी ये ट्रू है। ठीक है, अगर हम लोग जो है एन को वन लेते हैं और एम मेरा कोई भी आर्बिट्रेरी ही रहता है, देन तो इस केस में भी क्या होगा, फाई एम इंटू एन आप निकालिएगा, तो चूंकि एन वन लिया है आपने तो फाई एम आएगा ये। ठीक है, और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, फाई एम इंटू वन। ठीक है, और ये फाई एम वन को हम लोग फाई एन लिख देंगे, इसलिए कि एन मेरा वन है, तो यहाँ पे भी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो इन केसेस में तो आपका ये करेक्ट है। तो असल में जो हम लोगों को मेन केस दिखाना है वो ये दिखाना है, ठीक है, कि मेरा एम भी ग्रेटर देन वन है, ठीक है, और एन भी ग्रेटर देन वन है। ठीक है, तो ये हम लोगों का मेन केस होगा। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे मैं पहले ये बता दूँ कि अच्छा, पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग के पास में जो टोटल इंटीजर आएगा वन टू एम एन, उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, वी अरेंज इंटीजर्स इंटीजर्स वन टू एम एन इंटू ए मैट्रिक्स फॉर्म, इंटू ए मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एम कॉलम्स ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक से लेकर के एम एन तक जो टोटल इंटीजर है उसको हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे, जिसमें एम कॉलम होगा और एन इंटीजर होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आप अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं और इसमें अगर आपका एम कॉलम है,
ठीक है, और हर कॉलम में अगर n इंटीजर है तो ये n क्रॉस m का मैट्रिक्स बनेगा, और इसमें जो टोटल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो mn होंगे। ठीक है, तो 1 to mn यानी टोटल mn एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए उसको किस पैटर्न में मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ, 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एज़ फॉलो इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बीच में कोई आर आएगा और फिर हमारा एम आएगा। ठीक है, फिर एम के बाद यहाँ पे ये m+1 से स्टार्ट होगा, m+2। ठीक है, इसी तरीके से ये बीच वाला एलिमेंट m+r मिलेगा, फिर यहाँ पे m+m 2m आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका 2m+1 से स्टार्ट होगा, 2m+2 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमको 2m+r मिलने वाला है, फिर ये 3m मिलेगा, ये आपका कंटिन्यू चलेगा, और लास्टली हम लोगों को n-1 into m+1 मिलेगा, n-1 into m+2 मिलेगा। ठीक है, n-1 into m+r मिलेगा, और हम लोगों को यहाँ पे nm मिलेगा, यानी टोटल हम लोगों को mn एलिमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंस जो हमको निकालना है वो क्या है, वो है हमको फाई एम एन निकालना है। तो फाई एम एन क्या होगा, बाय डेफिनेशन ये होगा हमारा, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स ठीक है, फ्रॉम 1 to mn, एक से लेकर के mn तक का इंटीजर। ठीक है, जो क्या हो, जो को प्राइम हो या रिलेटिवली प्राइम हो 2mn। ठीक है, जो mn के रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए mn के रिलेटिवली प्राइम कौन होगा ये भी हम लोग को समझना है। ठीक है, तो चूंकि m और n का GCD 1 है, तो ये हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स ठीक है, फ्रॉम 1 to mn एम एन को प्राइम टू बोथ एम एंड एन। ठीक है, जो एम के भी को प्राइम होगा और एन के भी को प्राइम होगा, तो डेफिनेटली वो एम एन के को प्राइम होगा। ठीक है, इसलिए कि हम लोगों का जो एम एन का GCD है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली जो मेरे को फाइव एम एन निकालना है वो मेरे को नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालना है। ठीक है, जो को प्राइम हो एम और एन दोनों का, क्लियर है। अब हम लोग ये जो पूरा मैट्रिक्स बना करके रखे हैं ऊपर, यहाँ से हम लोग ये जो पूरा हम लोगों का मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स से हम लोग ये ढूंढेंगे कि कितना एलिमेंट है, क्योंकि ये 1 से लेकर के mn तक पूरा लिखा हुआ है, इसमें कितना एलिमेंट है जो m और n दोनों के को प्राइम है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको बहुत हम लोग आसानी से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए मैं जो मैंने एक जनरल कॉलम बनाया हुआ है उसको मैं पहले अलग कर लूँगा। ठीक है, और फिर इसी से हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो हम लोगों का आरेथ कॉलम है, ठीक है, चूज, यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, चूज चूज आरेथ कॉलम आरेथ कॉलम। ठीक है, क्या है आरेथ कॉलम का एलिमेंट, आर है। ठीक है, फिर क्या है, m+r है, फिर इसके बाद क्या है, 2m+r है। ठीक है, कॉमा डॉट डॉट, फिर क्या है हमारा इसी में n-1 into m+r है, ये है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपके पास में आपने जितने भी कॉलम्स बनाए हुए हैं, ठीक है, उस कॉलम में, ठीक है, कितना ऐसा एलिमेंट है जो क्या होगा, जो n के को प्राइम होगा। अच्छा, इसको पूरे को समझने के लिए ना आप एक इसको अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उस एग्जाम्पल से मेरा समझना जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं पहले आपको थोड़ा इसका समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग उसके लिए एक रफ़ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों का रफ़ वर्क होगा इधर। ठीक है, ये मैं यहाँ पर रफ़ कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने एम ले लिया है, ठीक है, 4, और एन ले लिया है 7। ले सकते हैं इस केस में आपका 4 और 7 का GCD क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ कितना, 1 to mn। mn क्या आ जाएगा, 4 into 7 यानी 28, यहाँ तक का इंटीजर का हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे।
ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, विथ क्या, इसमें हम लोग एम कॉलम ले लेते हैं ना, यानी फोर कॉलम लेंगे विथ फोर कॉलम्स, ठीक है, ऑफ सेवन इंटीजर, और उसमें क्या होगा, उसमें हमको सेवन इंटीजर लेना है, ठीक है। तो कैसा बनेगा देखिए, ये आपका इस तरीके से बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट। तो वन टू एट हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, जिसमें फोर कॉलम है और हर कॉलम में सेवन इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है ना कि सारे कॉलम्स को आप देखें बारी बारी से, तो आप सारे कॉलम्स में ये पाएंगे कि आपके पास में कितना ऐसा इंटीजर है हर कॉलम में जो सेवन के को प्राइम है, क्योंकि देखिए हमको फाइनली उन एलिमेंट्स को चूज़ करना है जो सेवन के भी को प्राइम हो और फोर के भी को प्राइम हो, ठीक है, क्योंकि दोनों के को प्राइम होगा एम और एन के, तो वो उसके प्रोडक्ट के भी को प्राइम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग हर कॉलम को देखें तो हर कॉलम में आप देखिएगा, जैसे फर्स्ट कॉलम में हम लोग देखें, ठीक है, और हम लोग सेवन को चूज़ करें कि सेवन के को प्राइम कौन कौन है, तो पहले कॉलम में आपको सारा ही सेवन के को प्राइम मिलेगा 21 को छोड़ के, ठीक है, यानी आपको सिक्स एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, सिक्स इंटीजर। इसमें भी आप देखें तो सेवन के को प्राइम कौन कौन आएगा, तो ये 14 को छोड़ करके बाकी सारे ही आपके सेवन के साथ को प्राइम होंगे, यानी फिर से आपको सिक्स एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आप देखें तो सेवन को छोड़ करके बाकी सारा आपका को प्राइम है, इसमें भी आपको सिक्स एलिमेंट मिलता है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो 28 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट सेवन के को प्राइम है, तो इसमें भी हमको सिक्स एलिमेंट मिलता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो सिक्स एलिमेंट है इसको आप देखिए क्या है, ये जो हम लोगों को यहाँ पे सिक्स एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर और बढ़ा देता हूँ, ये जो सिक्स एलिमेंट आपको मिल रहा है, तो सिक्स है क्या, तो सिक्स है फाइव सेवन का वैल्यू, सेवन एक प्राइम है तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेवन माइनस वन यानी सिक्स, ठीक है। तो यानी हर कॉलम में अगर हम सेवन की बात करें तो हमको फाइव सेवन इंटीजर्स मिलते हैं जो सेवन के क्या हैं, को प्राइम है डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे आरथ कॉलम लिया हुआ है, जैसे कोई भी एक कॉलम मैंने लिया हुआ है आरथ कॉलम, तो यह इस आरथ कॉलम में भी, ठीक है, अगर मैं एन के को प्राइम इंटीजर्स को सिलेक्ट करूँ तो कितना मिलेगा, फाइव एन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ए पी में है आप देख रहे हैं, और इसमें जो ये आपका ए पी में है, ठीक है, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो है आपका एम, ठीक है, और एम क्या है, को प्राइम टू एन है, तो डेफिनेटली इसमें हमको जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स मिलेंगे जो को प्राइम टू एन होंगे वो फाइव एन होगा, ठीक है, चूँकि हम लोगों का एन क्या है, एन हम लोगों का सेवन है, ठीक है। देखिए ये सिक्स आ गया, जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना ऐसा कॉलम है, चूँकि हम लोगों ने कॉलम देख लिया कि सारे कॉलम में क्या है, सिक्स एलिमेंट है जो सेवन के को प्राइम है, ठीक है, ओके। इन ईच कॉलम देयर आर सिक्स यानी फाइव सेवन एलिमेंट्स या फाइव सेवन इंटीजर्स, ओके, को प्राइम टू सेवन, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कितना कॉलम है ऐसा जो फोर के को प्राइम है, अगर आप देखेंगे ऐसा तो आपको काफ़ी इजीली दिखेगा। देखिए फोर है हम लोगों का, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दो ही कॉलम है ना, क्योंकि जो भी कॉलम आप देखिएगा, जो जो आपका कॉलम टू से स्टार्ट हो रहा है, आप अच्छे से देखिए, जो कॉलम आपका टू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो टू जो है वो फोर के को प्राइम नहीं है, तो सारे ही एलिमेंट्स इसमें फोर के को प्राइम नहीं है। इसी तरीके से, ठीक है, फोर वाले में आप देखिएगा कि जो फोर से स्टार्ट हो रहा है, तो चूंकि ये फोर के को प्राइम नहीं है, तो इसमें जितना भी इंटीजर है वो फोर के को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो जिसमें पहला एलिमेंट फोर के को प्राइम है उसमें सारा ही एलिमेंट फोर के को प्राइम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं देयर आर टू, टू का मतलब क्या है, आप देखिएगा तो फाइव फोर का वैल्यू टू आता है, ठीक है, तो देयर आर टू यानी फाइव फोर कॉलम्स, ठीक है, विच आर को प्राइम टू फोर। तो देखिए फोर के को प्राइम कॉलम का क्वांटिटी फाइव फोर है,
और 7 के को प्राइम जो है, जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, वो आपके 6 है, ठीक है। यानी दो कॉलम ऐसा है जो 4 के को प्राइम है, दो कॉलम के सारे ही इंटीजर्स, ठीक है, ओके। और हर कॉलम में 6 ऐसा इंटीजर है जो 7 के को प्राइम है, तो टोटल को प्राइम जो 4 के भी हो और 7 के भी हो वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पहले रफ को पूरा ही कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमको टारगेट मिल जाए, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स ओके लेस देन 28 एंड रिलेटिवली प्राइम टू बोथ 4 एंड 7, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका डेफिनेटली दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी 5 4 इंटू क्या आ जाएगा, 5 7। और आप देखेंगे तो 2 और इंटू 6, यानी आपको 12 ही एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो दोनों के को प्राइम है, और देयर फोर वो 28 के भी को प्राइम होगा। तो देखिए जैसे ये दो इंटीजर के लिए प्रूफ हुआ है, तो हम लोग जनरली भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 ही एलिमेंट आपको मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इधर आप देखिएगा इसमें तो नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो 7 8 9 10 11 12, इतना ही एलिमेंट आपको मिलेगा जो दोनों के को प्राइम है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, पूरा सेम वे में। तो देखिए यहाँ पे भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग आरेथ कॉलम की बात करें, तो ये जो आरेथ कॉलम है हम लोगों का, ये क्या है, ये हमारा एपी में है, ठीक है, और एपी में है, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो एम है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, द इंटीजर्स ऑफ आरथ कॉलम आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस एम कॉमन डिफरेंस एम प्राइम टू एन। एम डेफिनेटली मेरा एम एन के प्राइम है, ठीक है। सो ईच कॉलम इन दी एबव मैट्रिक्स कॉन्टेंस एग्जैक्टली 5 n इंटीजर्स प्राइम टू n, ठीक है। ये देखिए हम लोगों का एक पार्ट पूरा हो गया कि हम लोगों को कितना ऐसा कॉलम मिल कितना ऐसा इंटीजर मिलने वाला है हर कॉलम में, ठीक है। क्योंकि आरथ कॉलम हम लोगों ने लिया, तो ये एक हमारा आर्बिट्रेरी कॉलम है, और ये हम लोग देख रहे थे कि ये एपी में बढ़ रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस एम है, और एम हमारा एन के को प्राइम है, ठीक है। तो इसीलिए हर कॉलम में हमको जो एन के प्राइम इंटीजर मिलेगा वो क्या होगा, वो आपका एग्जैक्टली 5 n होगा, क्लियर है, जैसा मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, तो हर कॉलम में मेरे को 5 n इंटीजर मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि कितना ऐसा कॉलम है जो को प्राइम टू एम है, ठीक है। नाउ हम लोग ऐसा देखते हैं, ठीक है, नाउ वी फाइंड फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिलेटिवली प्राइम, नंबर ऑफ कॉलम्स ओके कॉलम्स विथ एवरी इंटीजर रिलेटिवली प्राइम टू एम, रिलेटिवली प्राइम टू एम, ठीक है। अब हम वैसा कॉलम का नंबर छांटना चाहते हैं जिसका सारा इंटीजर क्या है, रिलेटिवली प्राइम टू एम हो। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट अगर रिलेटिवली प्राइम है एम के, तो बाकी एलिमेंट भी क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम टू एम ही होगा, ठीक है। एंड वी सी, हम देखते हैं क्या, इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम इज रिलेटिवली प्राइम टू एम, देन देयर
ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर एल्सो, ठीक है। तो अगर पहला एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम है तो उसके सारे ही एलिमेंट भी रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो हमको फर्स्ट एलिमेंट पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट को जाकर के आप देखिए, अगर फर्स्ट एलिमेंट को आप देखेंगे इसमें, ठीक है, देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन कौन है, वो है देखिए ये 1, 2, 3, 4 आर एम, ठीक है। तो एम के रिलेटिवली प्राइम आपको नंबर निकालना है, ठीक है, जो एम से छोटा हो, तो वो तो 5m ही होता है बाई डेफिनेशन। तो यानी हमको इस तरह का 5m कॉलम मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपका जो फर्स्ट एलिमेंट का क्वांटिटी है वो 5m आएगा, ठीक है, और हर एलिमेंट एक कॉलम से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो हमको 5m कॉलम मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे, ओके। एंड देयरफोर नंबर ऑफ सच कॉलम्स इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ को प्राइम इंटीजर्स, ओके, को प्राइम इंटीजर्स लेस देन एम, ठीक है, एम से छोटा जो को प्राइम इंटीजर है वो, ये तो डेफिनेटली हमारा क्या होता है, 5m ही होता है, ठीक है। इसलिए कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम टू m, वो क्या होगा, वो डेफिनेटली आपका m से छोटा होगा, 1 और m के बीच में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम इज फ्रॉम 1 to m, ये आपका 1 से लेकर के m तक है, ठीक है। तो 1 से लेकर के m तक है, तो इसमें से फर्स्ट एलिमेंट जिनका रिलेटिवली प्राइम होगा तो उनके सारे ही एलिमेंट होंगे, इसलिए हमको इस तरह का जो कॉलम मिलने वाला है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, वो क्या होगा, वो डेफिनेटली इक्वल टू होगा नंबर ऑफ को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन m, ठीक है, और फ्रॉम 1 to m, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5m बोलते हैं। देखिए इतना कॉलम है, ठीक है, जिसके सारे ही इंटीजर क्या है, रिलेटिवली प्राइम टू m है, ठीक है। देयरफोर हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर एग्जैक्टली 5m कॉलम्स विथ एवरी इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे विच लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। देयर आर 5m कॉलम्स विच एवरी इंटीजर आर रिलेटिवली प्राइम टू m, ठीक है, ओके। तो देखिए हमारे पास में जो है 5m कॉलम है जो रिलेटिवली प्राइम टू m है, और 5n इंटीजर है हर कॉलम में, ठीक है, जो क्या है, रिलेटिवली प्राइम टू n है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5m इंटू 5n, ठीक है। दस देयर आर इन ऑल 5m इंटू 5n इंटीजर्स, ओके, लेस देन m in and prime to m and n, both m and n, okay, hence इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ऊपर में 5m into n निकाल रहे थे उसका टोटल वैल्यू क्या आ गया, 5m into 5n आ गया, ठीक है। तो देखिए प्रूफ थोड़ा सा आपको लंबा लगता होगा, असल में लिखने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट है बहुत सिंपल सा चीज़ जिसको आप, वो जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे भी आप समझ सकते हैं, बस उसी को हम लोगों को लिखना था, ठीक है। तो क्या लिखा जाए क्या नहीं लिखा जाए इस पर थोड़ा बात होता है, तो आप इसमें 19-20 कर सकते हैं, कुछ आपको बढ़ा करके लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बट बिल्कुल जनरल पैटर्न पर है ये, है ना, कोई खास नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा कि हमको इस तरह के टोटल जो है 5m कॉलम मिले, ठीक है, जो क्या थे, जो रिलेटिवली प्राइम टू m थे, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम टू m क्या मिले, 5m मिले।
और इन फाइव एम कॉलम में, हर कॉलम में हमको ऐसा ऐसा जो है फाइव एन एलिमेंट मिला, ठीक है, जो क्या था, जो रिलेटिवली प्राइम टू एन था, हर हर कॉलम में मिला, ठीक है। ये इसके अलावा भी कॉलम में थे, लेकिन हमको सिर्फ वही कॉलम लेना है जिसमें एम वाला भी आएगा, क्योंकि एम और एन दोनों को साथ में हमको लेना है, ठीक है। दोनों एक साथ, दोनों का हमको मिलेगा को प्राइम, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो हम लोगों को फाइव एम कॉलम मिला, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए, ये हमको सारा कॉलम में मिल रहा है फाइव एलिमेंट, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। जो हमको फाइव एम कॉलम मिला, जो रिलेटिवली प्राइम टू एम है, उसमें हम जो है उन एलिमेंट्स को देखेंगे, और वो एलिमेंट कितने हैं, फाइव एन हैं, जो रिलेटिवली प्राइम टू एन है। तो यानी कि जो एम से भी है और एन से भी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, फाइव एम इंटू फाइव एन, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो एम से भी है और एन से भी, चूंकि इस लाइन में भी देखिए एम से भी है और ये आपके एन से भी है, तो एक लाइन हो गया। फिर इस दूसरे में एम से भी है और एन से भी है, तो इसको भी शामिल करेंगे, तो इस तरह जब प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो हमको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको, है ना। आई होप आपको ये जो है आर्टिकल काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बहुत देखिए हेल्पफुल है हमारे लिए, ये बहुत बिंदास काम करेगा, ठीक है। अब आपको इसमें खूब जो है इंजॉय जो है पैदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कहीं पे 27 का वैल्यू, ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे क्या, 7 7 इंटू 3, ठीक है। अब दोनों प्राइम है, प्राइम है तो इसको 5 7 इंटू 5 3 कर सकते हैं हम लोग इजीली, और ये दोनों प्राइम है तो 7 5 7 का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इससे एक कम होता है अगर प्राइम है तो, और 3 है तो इसको भी हम एक कम लिख देंगे, तो ये डेफिनेटली आपका 6 इंटू 2 डायरेक्ट 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको वैल्यू निकालना जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। आपको 505 निकालना है, ठीक है, ये 15 इंटू 7 होता है, आप इसको डायरेक्ट अलग कर देंगे 15 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये देखेंगे कि ये जो है हमारा 3 इंटू 5 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब फिर से ये मल्टीप्लीकेटिव है, तो मल्टीप्लीकेटिव का मतलब है कि अब आप इंटीजर्स वाइज जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑल आपके प्राइम हैं, तो प्राइम अगर है तो प्राइम के लिए तो हम लोगों को पता है कि एक माइनस हो जाता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालना काफ़ी ईजी हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप अब कोई भी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।